सबसे पहले हम देखेंगे कि अंत क्या है मतलब कि इसकी मीनिंग क्या है तो सबसे पहले चीज की आंत आया कहां से ये वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से आया है फ्रेंच वर्ड आंतप्रिंदर है जिससे ये आंतपिनोर वर्ड आया है जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक यानी कोई रिस्क लेना अनसर्टेनिटी को बेयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही क्या कहलाता है आंतपिनोर कहलाता है तो ये वर्ड जो है पहली बार यूज किया गया था रिचार्ड कैंटिलोन द्वारा इन्होंने एक ऐसे लिखा था द नेचर ऑफ कॉमर्स सेवनटीन फिफ्टी फाइव में तो सेवनटीन फिफ्टी फाइव में इन्होंने ने ने नेचर ऑफ कॉमर्स ऐसे में ही ये वर्ड आंतपिनोर यूज किया था तो रिचार्ड कैंटिलोन ने जो आंतपिनोर को है डिफाइन किया है कि आंतपिनोर वॉज वन हु बाई फैक्टर ऑफ सर्विसेज एट सर्टेन प्राइसेज इन order to combine them to produce a product and sell it at unseen अनसर्टेन प्राइसेज एट द मोमेंट एट विच ही कमिट्स हिमसेल्फ टू हिज कॉस्ट यानी कि रिचार्ड कैंडल ने कहा कि आंतपुर एक ऐसा पर्सन है जो बाई फैक्टर ऑफ सर्विसेज को बाई करता है फैक्टर ऑफ सर्विस यानी कि लैंड लेबर कैपिटल ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज हो गए तिनको वो किसी न किसी प्राइस पर बाई करता है और उनको कंबाइन करता है उनका यूज़ करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको मार्केट में किसी अनसर्टेन प्राइस पर सेल करता है यानी कि आंतपुर क्या करता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है उसके बाद उनको कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है उसको एक अनसर्टेन प्राइस पे सेल करता है तो ऐसे पर्सन को हम क्या करते हैं आंतपिनोर कहते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिचार्ड कैंटिलोन इसी तरीके से और भी जीन बैप्टिस्ट तो से ने, ने ने कहा कि क्या है? एक है. है, तो क्या करता होगा जो क्या करता है जितने भी प्रोडक्शन के मीन है उनको यूनाइट्स करता है जैसे कि लैंड ऑफ वन किसी से लैंड लिया किसी से लेबर लेता है और किसी से कैपिटल लैंड ऑफ वन लेबर ऑफ अनादर एंड कैपिटल ऑफ येट अनदर एंड दस प्रोड्यूसरेट ऑफ और फिर उनको कंबाइन करके जो मेन ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंबाइन करके क्या करता है बनाता है है प्रोडक्ट 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 बनाता सेलिंग द फिर उस को जो उसने बनाया है, उसको सेल करता है एंड ही पेज रेंट ऑफ लैंड तो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है उससे जिससे लैंड लिया था उसको रेंट देता है जिससे लेबर लिया था उसको वेजेस देता है और जिससे कैपिटल लिया था उसको इंटरेस्ट देता है ही पेज रेंट ऑफ लैंड वेजेस टू लेबर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वॉट रिमेन्स इज हिज प्रॉफिट और जो भी उसके बाद उसके पास बचता है वो क्या होता है उसका प्रॉफिट तो अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्टे से आंथप्रेनो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि मीन ऑफ प्रोडक्शन को यूनाइट करता है किसी से लैंड लेता है किसी से लेबर लेता है किसी से कैपिटल लेता है और उसके बाद उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है और सेल करने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है उससे उससे जो है उसने लैंड के लिए रेंट दिया लेबर को वेजेस या सैलरी दी और उसके बाद जो कैपिटल जिससे लिया था उसको इंटरेस्ट चुकाता है बाकी जो उसके पास बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है तो जरूरी नहीं कि सभी केसेज में ये हो कि किस कुछ केसेज में ये भी होता है कि आंतपिनोर के पास ऑलरेडी लैंड होता है उसके पास लेबर या कैपिटल नहीं होता तो वो चीज अरेंज करेगा या फिर कुछ केसेस में होता है कि उसके पास कैपिटल होता है लेकिन लैंड और लेबर नहीं होता तो उस केस में फिर वो लैंड और लेबर को अरेंज करता है तो नॉर्मली एक कंडीशन बताया कि एक ऐसा आंसर यूए पर्सन होता है कि जो सारी जो मेन ऑफ प्रोडक्शन है उसको इकट्ठा करके उनको कंबाइन करके मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो आंतेपिनोर कहलाता है दस एक कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फाइनेंस वेयर एज आंतर इज एन आं ऑर्गेनाइजर तो जो कैपिटलिस्ट होता है वो क्या करता है फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसके पास पैसा होता है तो फाइनेंस प्रोवाइड करता है लेकिन क्या करता है वो ऑर्गेनाइजर होता है वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्ट बनाता है ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज करता है जिसके पास लैंड है जिसके पास लेबर है जिसके पास कैपिटल उन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है उनसे ऑर्गेनाइज कराता है मीन ऑफ प्रोडक्शन को और उनको सुपरवाइज करता है इसी तरीके से जोसेफ एस कंप्यूटर इन्होंने भी को डिफाइन किया उनके अकॉर्डिंग क्या है कि आंतमिनो एक इनोवेटर होता है हु इनोवेट्स मनी वो क्या करता है कि मनी रेज करके इनोवेट करता है कलेक्ट इनपुट ऑर्गेनाइज टैलेंट्स वो इनपुट कलेक्ट करता है और टैलेंट को ऑर्गेनाइज करता है प्रोवाइड लीडरशिप लीडरशिप प्रोवाइड करता है एंड सच दी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर ऑर्डर और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन उसने ओपन किया उसको प्रॉपर ऑर्डर में करता है तो वो इनोवेट करता है पैसा रेज करता है इनपुट कलेक्ट करता है टैलेंट को ऑर्गेनाइज करता है और लीडरशिप प्रोवाइड करता है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर ऑर्डर में ले चलता है तो इस जोसेफ ए इस कंप्यूटर ने कहा कि आंत क्या है एक इनोवेटर है तो इन समय हम कलक्लूट करें तो आंतर क्या है अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से देखा जैसे कि अनसर्टेनिटी बिहर होता है एफ एच नाइट ने कहा इसी तरीके से जीन बेप्टिस ने जो पिछले आपने देखा डेफिनेशन वहां पर उन्होंने क्या कहा कि आंपिन ऑर्गनाइजर है इकोनॉमिक एजेंट है इसी तरीके से जोसेफ एस कंप्यूटर जिसका भी डेफिनेशन अभी आपने पीछे देखा तो उन्होंने भी क्या कहा कि आंतपिनो क्या है एक इनोवेटर है इंडस्ट्रियलिस्ट होता है एडम स्मिथ ने कहा इसी तरीके से आंतपिनोर अपॉर्चुनिस्ट होता है पीटर एफ ड्रगर ने कहा अपॉर्चुनिटी मीस की जो है जो पर्सन होता है वो अपॉर्चुनिटी को देखता है और जैसे ही अपॉर्चुनिटी

टेंटीज होती है इकोनॉमिक इकोनॉमिकटेंटी होती है उसको हैंडल करता है प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और कुछ नया डेवलप करता है तो उसको हम क्या कहते हैं आंतेपिना होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि जमशेद जी नौसर जी टाटा जी इसी तरह जी डी बिरला जी हैं जमनाला लाल बजाज जी हैं धीरू भाई अंबानी हैं ये सब क्या है ये सब आंते होते हैं जिन्होंने रिस्क लिया अनसर्टेंटी को बियर बे, किया इनोवेशन किया इंडस्ट्रीस्ट थे अपॉर्चुनिटीज थे और इन्होंने एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज ओपन किया था जैसे रिलायंस हो गया टाटा हो गया बेला हो गया ठीक है ये सारी चीजें बजाज कंपनी हो गई थी ये सारे क्या हैं आंतपिनो थे जिन्होंने ये एंटरप्राइज डेवलप किया था रिस्क लेके अब नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंतपिनोस तो यानी कि जो आंतपिनो होते हैं उनकी कररेक्ट्रिस्टिक्स क्या होती है तो जैसे कि आपने पीछे देखा ऑलरेडी अलग अलग ऑथर ने बताया कि जैसे इनोवेटर होते हैं ऑर्गनाइजर होते हैं अपॉचुटिस्ट होते हैं तो यही सारी चीजें क्या इनकी कररेक्ट्रिस्टिक्स हैं एंड आंतपेनोज हाईली अचीवमेंट ओरिएटेड कोई भी आंतर होता है वो हाईली अचीवमेंट ओरियंटेड होता है उसको कुछ अचीव करना होता है स्टिक होता है एनर्जी एनर्जेटिक इंडिविजुअल होता है एनर्जी हाई लेवल होती है हु वाज फॉलोइंग हु हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर उस पहले ही आमतौर पर क्या कहता है कि रिस्क टेकर होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने क्यों पहले से कैलकुलेट करता है कि हां हमें इतना रिस्क होने वाला या हो सकता है फिर इस कंप्यूटर ने कहा था कि इनोवेटर है यानी वो इनोवेटर है वो कुछ ना कुछ नया बनाता है ऑर्गेनाइजर होता है जिन बैप्टिशन ने कहा था अनसर्टेंटी बियर होता है क्रिएटिव पर्सन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है खुद में कॉन्फिडेंट नहीं तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते कोई भी नई चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव थिंकर होना जरूरी है आप हर चीज़ में अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आप पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए डिसीजन मेकर आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए में के पास होती है एक्शन ओरिएंटेड यानी जो भी चीज आप सोचे, वो एक्शन होना चाहिए यानी कि खाली, -खाली पुलाव बना रहे हैं सोचे जा रहे हैं ड्रीम कर रहे नहीं आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए जो भी सोचे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं विजनरी दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए बिजनेस प्लानर एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए ग्रैप करना चाहिए स्ट्रेस टेकर कोई भी रिस्क लेते हैं कोई भी अनसर्टिनिटी को बेयर करते हैं इंटरप्राइज ओपन करते हैं वहां पर बहुत सारे रिस्क होते हैं स्ट्रेस होते हैं उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए कि स्ट्रेस से स्ट्रेस आ गया तो आप परेशान हो गए ड्रॉप कर दिया नहीं लीडरशिप लीड lead करना आना चाहिए और ये वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है जिसको जो फाइनेंस को लगाता है वेंचर में तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी एंटरप्रेन्योर में होती हैं इसी तरीके से करेक्ट्रिस्ट है ट्रेट ऑफ आंतरपेर की बात करें तो मैकलैंड ने आ, कुछ कररेक्ट्रिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए थे एंट्रप्रेनोर के या फिर इसको कह सकते हैं ट्रेट्स ऑफ आंट्रप्रेनोर तो उन्होंने कहा कि मेंटल एबिलिटी ये ट्रेट होता है या करेक्टरिस्टिक होती है आंट्रपेर की मेंटल एबिलिटी यानी कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता होती है कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता होती है विजनरी होता है ऑप्टोमिस्टिक होता है तो आंतरप्रेनोर के पास मेंटल एबिलिटी होती है क्लियर ऑब्जेक्टिव जो भी वो सोचता है जो भी प्लान करता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है यानी कि उसके वैग होता है कि यानी कन्फ्यूज रहता है कि नहीं मुझे ये करना था या वो करना था नहीं वो क्लियरली फाइंड ऑब्जेक्टिव पे चलता है बिजनेस सीक्रेसी बिजनेस में जो भी चीजें हैं उसको सीक्रेट रखना आता है यानी कि पब्लिकली ओपन कर दे रहा कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन रखता है ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी ह्यूमन के साथ रिलेशन बनाना डेवलप करना भी बखूबी आता है आंतरपिन को कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है आंतरपिन के अंदर क्यों क्योंकि उसको बहुत से लोगों से डील करना होता है अगर आंपेनर के अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं होगी तो वो फिर डील नहीं कर पाएगा टेक्निकल नॉलेज जैसा कि बताया कि टेक्निकल आए दिन चेंज होता है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी आंतरप्रनों के लिए इसी तरीके से रॉबर्ट एच हिस्ट्रिच ने भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स जो है आंतरप्रनों के आइडेंटिफाई किए थे जैसे आंतरप्रनो मोटिवेटर होता है ऑब्वियसली बात है खुद तो मोटिवेट होता ही होता है साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट करता है कि यस वी कैन डू सेल्फ कॉन्फिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट यानी कि कोई भी चीज आप करें तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट यानी कि आपने आज किया और कल छोड़ दिया नहीं लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हाई एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए इंथोस्टिक होना चाहिए परसिटेंट प्रॉब्लम सॉव्वल कंटिन्यूस कोई भी आप काम करते हैं तो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए प्रॉब्लम से भागना नहीं होता इनिशिएटिव जो आते पे होते हैं वो इनिशिएटिव होते हैं यानी कि कोई भी चीज आती है तो पहले इनिशिएट करना करने की कोशिश करते हैं गोल से ये लोग गोल सेट करते थे ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रॉबर्ट एच ने कहा था मॉडरेट रिस्क टेकर भी होते हैं और हम बात कर लें कि फंक्शन ऑफ आंतर क्या होते हैं तो डिफरेंट ऑथर डिफरेंट व्यूज ऑन रिगॉर्डिंग फंक्शन ऑफर की डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने फंक्शन को डिफाइड किया है जैसे कि अकॉर्डिंग टू मार्शल तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव इंटरप्राइज ये क्या होता है फंक्शन ऑफ हांति तो मार्शल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना है किसको इंटरप्राइज को ही क्या होता है फंक्शन ऑफ हाथी होता है इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू जीन बेप्टिस एंड कैंटिलोन इन्होंने कहा कि रिस्क टेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है रिस्क टेकिंग फंक्शन होता है आंतेपिनोर का इसी तरीके से प्रोफेसर बी आर नाइट ने कहा कि रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आंतेपिनोर का इसी तरीके से इस कंप्यूटर ने कहा कि आंतमिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इनोवेटर इनोवेशन करता है नया डेवलप करता है नई टेक्नोलॉजी नया मार्केट जो है वो डेवलप करता है इसी तरीके से आर्थर एच कोल ने कहा कि जो मेन फंक्शन है आंतरप्रेनर को वो है डिसीजन मेकिंग यानी कि आंतरप्रेनर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है नया आइडिया डेवलप करता है उसको इस आ, क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंट करता है तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हम जो फंक्शन ऑफ आंतरप्रेनर के हम उसको तीन आ, क्राइटेरिया में जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं एक तो आंट्रप्रनोरियल फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है एक प्राइमरी फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है और एक अदर फंक्शन होते हैं जो वो परफॉर्म करता है तो आंटेप्रीनियरल फंक्शन में कौन कौन से होते हैं जैसे कि सबसे पहले आइडिया जनरेशन क्या करता है आंटेप्रेनोरल आइडिया जनरेट करता है कि उसे कौन सा इंटरप्राइज करना है कौन सा बिजनेस चलाना है कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है फंड को रेज करता है उस एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए रॉ मटेरियल को करता प्रोक्योर करता है मशीनरी प्रोक्योर करता है यानी कि मशीनरी इकट्ठा करता है परचेज कर

जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट इनोवेशन रिस्क बियरिंग ये क्या है प्राइमरी फंक्शन जो कि कोई भी अंतरप्रो परफॉर्म करता है अनसर्टेनिटी बियरिंग जैसे कि ट्रेड में क्रेडिट में मार्केट के ट्रेंड्स में कभी भी अप डाउन होते हैं तो अनसर्टेनिटी होता है तो उसको भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बाद अदर फंक्शन में अदर फंक्शन में जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन जब कंपनी चल जाती है तो उसके बाद आपको अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना होता है कई जगह पर प्रोडक्शन सेंटर ओपन करना होता है तो वो फंक्शन परफॉर्म करना एक्सपेंशन ऑफ द इंटरप्राइज इंटरप्राइज को बढ़ाना वो भी क्या है?

ताकि इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस को बेच के डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट कमाया जा सके यानी कि आंट्रप्रेनोर एक पर्सन होता है और जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो पर्पजफुल एक्टिविटी परफॉर्म करता है उस पर्पजफुल एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं आंट्रप्रेनोरशिप कहते हैं तो आंट्रप्रेनोरशिप इज अ प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाई आंट्रप्रेनोर टू सक्सेसफुली रन एन इंटरप्राइज यानी कि कोई भी इंटरप्राइज को रन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो आंट्रप्रोर परफॉर्म करता है उसी को क्या कहते हैं कहते हैं ओपन like करना करने के लिए जो भी एक्शन लिया जाता है वो आंतरप्रनोरशिप कहलाता है उसको रन करने के लिए कि ओपन करने के बाद उसको रन करने के लिए चलाने के लिए भी जो भी कोर्स या वो एक्शन लिया जाता है वो भी क्या होता है एंड भी कहलाता है तो आंतरप्रनोरशिप डेवलपमेंट में आप ट्रिपल ई अक्सर सुनेंगे ट्रिपल ई आंतर का ट्रिपल ई क्या होता है तो एक तो हो गया आंतर जो क्या होता है एक इंडिविजुअल होता है एक पर्सन होता है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं आंट्रप्रीनरशिप जो भी आपने देखा तो एन एक्शन प्रोसेस यानी कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है आंतपिनोर द्वारा उसको हम क्या कहते हैं आंतरप्रनोरशिपिपिपिपिप और जो तीसरा ई e है तो जो आंतपिनोर है वो आंट्रीनोरशिप कहाँ परफॉर्म करेगा जो एक्टिविटी वो कहाँ परफॉर्म करेगा किसी इंटरप्राइज में तो इंटरप्राइज क्रिएट करता है अंतप्रोर क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करके इंटरप्राइज क्रिएट करता है यानी इंटरप्राइज क्या हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया तो इसी को हम क्या कहते हैं ट्रिपल ई ऑफ आंटेप्रनोशिप डेवलपमेंट entrepreneur entrepreneurship or enterprise creation any enterprise um बैरियर टू आंट्रप्रेनोरशिपिपिपिपिप यानी कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जो कि आंट्रप्रेनोर फेस करता है जिसकी वजह से वो आंट्रप्रेनोरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है तो फैक्टर्स से बैरियर्स कौन से होते हैं पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आंट्रप्रीनरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है जैसे कि कैपिटल ना होना लेबर की एवेलिटी ना होना रॉ मेटेरियल अवेलेबल ना होना मार्केट की अवेलेबिलिटी ना होना यानी जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मेटेरियल अवेलेबल नहीं है उसके लिए लेबर यानी कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है कैपिटल नहीं है आपके पास या फिर मार्केट नहीं है उस प्रोडक्ट लिए तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं? फिर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं उसके बाद है फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर फैक्टर है उसमें भी सोशल सोशल फैक्टर्स होते होते हैं हैं कुछ साइकोलॉजिकल इकोनॉमिकलॉजिकल की सोसाइटी जो आपके आसपास की है जैसे कि उसके नॉर्म्स वैल्यूज फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन फिनेंशियल स्टेबिलिटी कास्ट रिलीजन ये सब क्या है सोशल फैक्टर जो भी जो कि आपको कहीं ना कहीं से रोकती हैं अड़चने क्रिएट करती हैं ये सपोर्ट भी कर सकती हैं और रोक भी सकती हैं तो बैरस भी हैं इसी तरह से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है डिफिकल्टी एंड एंबिग्यूटी आप में ज्यादा है आप, कि आप एक अच्छा टू ऑब्जेक्टिव नहीं सोच सकते हैं जोरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं बैरियर्स होती हैं उसमें और फिर गवर्नमेंट एक्शन है पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि इंसेंटिव सब्सिडीज गवर्नमेंट पॉलिसीज रूल रेगुलेशन एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है इसमें इतनी सारी चीजें पॉलिसीज uh, होती है रूल रेगुलेशन होते हैं जो आंतरप्रेनर क्या करता है वो नहीं कर उन ग्यौन, को तो उसकी वजह से भी क्या होता है है कि कि नहीं करता है. तो ये कुछ हैं जो कि आ, को करने से रोकती हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल फैक्टर्स कार्ल एच वैसपर है जिन्होंने कुछ और अलग से आइडेंटिफाई किया था कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स जो कि आंट्रप्रेनर entrepreneur को अंट्रप्रीनरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं जैसे कि लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट अगर आंट्रप्रेनोर के पास एक वायबल कॉन्सेप्ट नहीं होगा एक फिजल आइडिया नहीं होगा तो वो आंतरप्रीनोरशिप नहीं परफॉर्म कर पाएगा इसी तरीके से लैक ऑफ मार्केट नॉलेज अगर आपके पास मार्केट नॉलेज नहीं है आंट्रप्रेनर के पास मार्केट नॉलेज नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कंपिटन क्या है इंडस्ट्री कौन सी है प्रोडक्ट क्या है कंज्यूमर क्या है कस्टमर क्या, क्या है उसका बिहेवियर क्या है अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है तो भी आंट्रप्रेनोरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स टेक्निकल नॉलेज नहीं है आंट्रप्रेनोर के पास तो वो आंट्रप्रनोरशिप परफॉर्म नहीं कर पाएगा सीड कैपिटल यानी कि जो स्टार्टिंग फंड होता है जो इनिशियल फंड होता है जो कि इंटरप्राइज को रन करने के लिए चाहिए अगर वो चीज़ नहीं है उसके पास तो फिर आंट्रप्रीनरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा लैक ऑफ बिजनेस बिजनेस को कैसे चलाना होता है कैसे कंडक्ट करना होता है कैसे मैनेज करना होता है ये नॉलेज अगर नहीं है तो फिर जो है अंतरप्रेनरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक आंट्रप्रेनोर वहीं पर कंप्यूटेंसी यानी कि आपके पास कंपिटेंसी नहीं है स्किल्स नहीं है ट्रेनिंग नहीं है तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फिर लैक ऑफ मोटिवेशन यानी कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है आप मोटिवेटेड पर्सन नहीं है डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं तो फिर आप जो है आंट्रप्रोनशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यानी ये बैरियर है एक तरीके से सोशल स्टिगमा सोसाइटल जो सोशल प्रॉब्लम होती है सोशल स्टेटस वो भी जो है आ,

बात है कि जब कोई भी ओपन करेगा तो वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जनरेशन होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है नेशनल इनकम में बढ़ाता है इंक्रीज करता है हेल्प कि सिर्फ किसी एक सेंटर पर इकोनॉमिक पावर रहती नहीं पूरे जहां जहां पर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी कि हर एरिया का हर रीजन का इक्वली डेवलपमेंट होता है हार्नेसिंग लोकल अवेलेबल रिसोर्स बैलेंस रीजनल रिजन, डेवलपमेंट होगा तो अभी जो भी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेस होंगे हो वो हार्नेसिंग होंगे उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकेगा और रिड्यूसिंग अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन एमॉन्ग यूथ भी जो यूथ के बीच में जो अनरेस्ट uh, होता है जो सोशल टेंशन होता है कि हम जॉब करेंगे जॉब नहीं है वैकेंसीज नहीं है कहाँ पे हम क्या करेंगे कैसे करेंगे तो उस पर भी ये रिड्यूस करता है कि हाँ अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं तो ये अनरेस्ट को रिड्यूस करता है सोशल टेंशन को रिड्यूस करता है इनोवेशन इन इंटरप्राइज़ इंटरप्राइज़ में इनोवेशन नया चीज़ नई नई चीज़ें बनती है तो वो भी आंत की वजह से होती है इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली बात है कि जब इंटरप्राइज ओपन होंगे तो आपका लिविंग स्टैंडर्स भी क्या होगा इंप्रूव होगा और इकोनॉमिक की डिपेंडेंसी भी आएगी यानी कि आपको पैसे के लिए फंड के लिए किसी और के पास नहीं जाना होगा आप खुद अपने आपके पास इनफ अमाउंट होगा फंड होगा तो ये कुछ रोल है आंतप्रेनर का इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉज ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ आंतप्रेनो यानी कि क्या कॉज हो सकता है किसी भी आंतप्रेनोर के सक्सेस या फेल्योर का तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस अगर आपने जो बिजनेस सेलेक्ट किया है वो सही सेलेक्ट किया है तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे नहीं तो अगर फेल हो जाएंगे इसी तरह से प्रॉपर प्लानिंग अगर आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल है अच्छी है प्रॉपर प्लान किया है आपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए तो सक्सेस होंगे नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे इनिशियल कैपिटल जो इनिशियल फंड चाहिए एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए वो है तो फिर आप सक्सेस नहीं तो फिर फेल हो सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की है या नहीं है उसको बगैर जाने अगर आपने प्रोडक्शन कर दिया और डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप फेल हो जाएंगे इसी तरीके से इसीलिए कि आपको मार्केट की डिमांड जरूरी है यानी कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं वो जानना जरूरी है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए अगर आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं की तो भी आप फेल हो जाएंगे तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट करना जरूरी है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी आंत है उसका एजुकेशन क्या है उसका एक्सपीरियंस क्या है जो आपके यहाँ पे लेबर हैं वो वर्क कर रहे हैं उनका एजुकेशन क्या है एक्सपीरियंस क्या है वो मैटर करता है तो अगर एजुकेशन एक्सपीरियंस दोनों अच्छे हैं तो सक्सेस नहीं तो फिर फेल इनिशिएटिव अगर जो दो लोग से ज्यादा मिलकर एक साथ अपने कोई ओपन कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या होता है कि डिस्प्यूट्स की वजह से भी जो है वो सक्सेस या फेल डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं सिलेक्शन कर रहे हैं लेबर्स का वो कैसा कर रहे हैं अगर आपने अनस्किल्ड एम्प्लॉय रख लिया तो फिर आपके इंटरप्राइज जो है वो डूब सकती है तो आपको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट करना है लोकेशन ऑफ बिज़नेस आपके बिज़नेस का लोकेशन कहाँ है मार्केट से कनेक्टिविटी है कि नहीं वहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लायर इन 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 सबसे कनेक्टिविटी है नहीं ये भी चीज़ मैटर करता है अगर हम इन सबसे दूर हो जाएंगे तो फिर आपके बिजनेस नहीं रन करेगी तो आपके लोकेशन ऑफ बिजनेस जो है वो भी मैटर करता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सक्सेस या फेल होने का तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस एंड फेल काजेज़ हैं किसी भी आंत के सक्सेस या फेल होने का क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं अच्छा मैनेजमेंट करते हैं पुअर मैनेजमेंट कर रहे हैं आपके इंटरप्राइज का तो वो भी मैटर करता है हम बात कर लेंगे मिट्स टू बिकमिंग एंड आंत यानी कि आंत बनने के लिए क्या क्या मिट्स हैं जो मार्केट में चलते हैं कि नहीं नहीं आंत सिर्फ यही बन सकते हैं या फिर वो बन सकता है तो सबसे पहला मिथ है आंत आर बॉन्ड नॉट बेड यानी कि ये गलत धारणा है कि आंत जो है पैदा होते हैं बनते नहीं है नहीं जी नहीं तो आंतपिनोर कोई भी बन सकता है आंतपिनोर पैदा नहीं होते सभी एक कोली पैदा होते हैं जो चीजें डेवलप होती हैं जो भी चीजें चेंज होती हैं वो यहां पे आके ही सोसाइटी में आके ही चेंज होती है तो और आर बॉन्ड नॉट आंतरपिन एक गलत धारणा है मनी इज नीडेड टू बी एन यानी कि पैस, बनना है तो आपको पैसे की जरूरत है तो ऐसा भी नहीं है आप अगर एक गुड ऑर्गेनाइजर हैं मेंटल एबिलिटी है तो आप कहीं से भी सारी चीजें अरेंज करके अपना खुद का इंटरप्राइज ओपन कर सकते हैं तो मनी इज नीडेड टू बी एन आंपिन ये भी क्या एक है एक मिथ है लक इज नीडेड टू बी एन आंतरपिनोर यानी कि एक बनने के लिए आपके पास लक होना चाहिए तो ये भी क्या है एक मिथ है ऑबियस बात है लक कोई डिपेंड नहीं करता आंतरमी

फिर आंतपिनोर सा डूअर नॉट थिंकर्स यानी कि आं करते हैं काम करने वाले होते हैं वो सोचने वाले नहीं होते ऐसा नहीं है आंतपिनोर पहले आइडिया जनरेट करता है तो आइडिया जनरेशन कहाँ से आता है थिंकिंग से थिंकिंग प्रोसेस से ही आता है तो आंतेपिनो थिंक भी करता है उसके बाद उसको एक्शन ओरिएंटेड यानी कि डूअर भी यानी कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी करता है तो ये कुछ मिथ्स हैं जो कि आंतपिनोर को लेकर मार्केट में रहते हैं लोगों के दिमाग में रहते हैं कि आंतेपिनो आर बॉर्न नॉट मेड मनी इज नीडेड फॉर आंतर लक इज नीडेड टू बी बंतर आंतेपिनोर आर अकेडमिक एंड सोशली मिसफिट होते हैं आंतपिनोर ओनली आर इन्वेंटर्स आंत आर डूअर्स नॉट थिंकर्स तो इस वीडियो में इतना ही इस यूनिट का नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड किया जाएगा तो विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग